नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर आया है और यह चौंकाने वाला खबर बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में ऐसा कैसे हो गया। हमारे इसरो के वैज्ञानिक भी बड़े परेशान हैरान हैं और बहुत ही ज्यादा दुखी है। हम आपको बताते हैं कि वह न्यूज क्या है और अभी नई ताजी दुखद घटना का पता चला है। वह कौन सी घटना है? लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर रोवर इज डेड, यह केवल हम नहीं कह रहे हैं, भारत के सभी बड़े बड़े मीडिया चैनल और अखबार बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले 4 अक्टूबर को ही हमने आपको बता दिया था कि चंद्रयान 3 अब नहीं रहा। इसरो के द्वारा भी 6 अक्टूबर तक चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम द्वारा और रोवर प्रज्ञान के उठने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन अब तो 6 अक्टूबर भी निकल चुका है और चांद पर रात भी हो गई है, लेकिन लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को वापस एक्टिव होने की कोई खबर नहीं है। अब इन खबरों के बाद भारत के लोगों के मन में कुछ सवाल बहुत तेजी से घूम रहे होंगे, जिसमें है, क्या हमारा चंद्रयान 3 मिशन फेल हो गया है? क्या चंद्रयान 3 मिशन का अंत हो चुका है? क्या इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी भूल हो गई है? क्या चंद्रयान 3 अब कभी जिंदा नहीं हो पाएगा? क्या हमारे चंद्रयान 3 को किसी ने हैक कर लिया है? क्या हुआ था चांद की रात में लैंडर और रोवर के साथ? और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जैसा कि आपको पता ही होगा, 2 अगस्त को रोवर प्रज्ञान को और 4 अगस्त लैंडर विक्रम को सुरक्षित पार्क करके स्लीप मोड में डाल दिया गया था। जब 4 अगस्त को विक्रम लैंडर को इसरो के द्वारा स्लीप मोड में डाला गया था, उससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के साथ हार्ड टेस्ट भी किया गया था। यानी इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के एनजीओ को वापस से फायर किया, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और उसके बाद वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर की लैंडिंग जगह बदलते हुए 30 से 40 सेंटीमीटर दूर वापस से चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर नई लैंडिंग लोकेशन पर उतार दिया गया। उसके बाद लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया, लेकिन लैंडर के रिसीवर को चालू रखा गया और सौर पैनल को ऐसे किया गया कि जब 22 सितंबर को चांद पर फिर से सुबह हो तो दोनों फिर से ऑन हो जाए। 22 सितंबर 2023 से 6 अक्टूबर 2023 तक यूरोपियन स्टेशन और इसरो के स्टेशन से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने का लगातार प्रयास किया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। उनके जागने से एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को ही इसरो के एक सीनियर वैज्ञानिक ने पहले ही साफ कर दिया था कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के जागने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि उसमें वह डिवाइस लगाया ही नहीं गया है जिसे चांद की सतह पर सर्दी में यह दोनों जिंदा रह सके। तब उनकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और भारतीयों को उम्मीद थी कि चंद्रयान 3 वापस से जागेगा और काम करने लगेगा। लेकिन अब उन सीनियर वैज्ञानिक की ही बात सच हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि वह डिवाइस था क्या? आखिरकार वह कौन डिवाइस था और इसरो वैज्ञानिकों ने इसको क्यों नहीं लगाया? इसरो के सीनियर वैज्ञानिक जिस डिवाइस की बात कर रहे थे, उसे रेडियो आइसोथर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी RTG कहते हैं। इसका इस्तेमाल पिछले 200 साल से भी अधिक समय से होता चला आ रहा है। अमेरिका का नासा इसका इस्तेमाल 1961 के दशक से अपोलो मिशन के दशक से करता आ रहा है। इसके अलावा रूस और चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भेजे गए मिशनों में भी किया जा चुका है। यह एक बेहद ही आसान तरीका होता है किसी भी यान को अंतरिक्ष पर चांद की सर्दी से बचाने का। रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG में प्लूटोनियम 230 का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर रखी 1 किलो प्लैटिनम से 80 लाख किलोवाट की बिजली पैदा की जा सकती है, जो किसी भी यान को आसानी से गर्म रख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह इतना ही आसान है तो इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? सबसे पहली और बड़ी वजह बनी बजट वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो आइसोथर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG का इस्तेमाल न करने की सबसे बड़ी वजह बना है। चंद्रयान 3 मिशन का बजट इतना कम था कि इसरो वैज्ञानिक चाहकर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। दरअसल यह डिवाइस काफी महंगे होते हैं।
इसको और आसान से समझाने के लिए आपको चीन के रोवर के उदाहरण से बताते हैं। जैसा कि हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं कि चीन के रोवर यूट्यूब 2 में इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से पिछले 4 सालों से भी अधिक समय से चीन का यान आज भी चांद पर काम कर रहा है। लेकिन अगर भारत के रोवर प्रज्ञान और रोवर विक्रम के यूट्यूब 2 की तुलना की जाए तो दोनों के बजट के बीच अंतर काफी ज्यादा है। चीन के इस चंद्र मिशन में यूट्यूब 2 रोवर गया था, जिसका कुल लागत $1.2 बिलियन, जबकि चंद्रयान 3 मिशन की लागत महज 650 करोड़ था और बहुत ज्यादा कैपेसिटी इसके अंदर है। दोस्तों, इसरो के चीफ सोमनाथ द्वारा बताया गया था कि भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 काफी कामयाब रहा है। यदि विक्रम और प्रज्ञान स्लीप मोड से नहीं भी बाहर आते हैं तो दोनों चंद्रमा पर भारत की सफलता का चिन्ह बने रहेंगे। भारत ने अगस्त में चंद्रयान 3 मिशन में कामयाबी हासिल किया था। चंद्रयान 3 से जुड़े जितने भी लक्ष्य थे वह पूरे हो गए। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में भेज दिया गया था। चांद पर सुबह होने के बाद अब फिर इन्हें जगाने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गुयाना का कोरो स्टेशन से इन्हें जगाने का सिग्नल लगातार भेजा जा रहा है। अभी तक यह जगह नहीं है। माना जा रहा है कि शायद यह फिर न उठें। लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से खत्म माना गया वह फिर चलने लगे। जनवरी 2018 में शौकिया खगोल शास्त्री स्कॉट टिली ने एक ट्रांसमीटर सिग्नल को पकड़ा था। बाद में उन्हें पता चला कि यह नासा का इमेज सैटेलाइट है, जिसे पृथ्वी के ऑरोरा की स्टडी के लिए बनाया गया था। स्पेस एजेंसी ने 2005 में इससे संपर्क खो दिया था। जब इसे खोजा गया तो इसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज थी और काम कर रहा था। नासा ने भी सैटेलाइट को दोबारा खोजने से जुड़ी पुष्टि की थी। नासा ने तब कहा था कि इसके वैज्ञानिक यंत्रों को ऑन किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर 12 साल पुराने थे, जिन्हें फिर बनाना पड़ेगा। स्कॉट लगातार भारत के चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ हैं। कई बार सतह के बराबर न होने से रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, अगर मैं इसरो की जगह होता तो चंद्रयान 3 के लैंडर को लेकर क्या करता, मैं अगले चंद्र दिवस तक सिग्नल भेजता रहता। चल सर, रात्रि के बाद सुबह फिर सिग्नल भेजता। इस थोड़े से प्रयास से बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके साथ उन्होंने नासा के सैटेलाइट खोजने के बारे में बताया। साल 2020 में उन्होंने अमेरिका की एक मिलिट्री सैटेलाइट खोजी जो खराब और बंद मानी जा रही थी। पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है, इस वजह से दिन और रात जल्दी आते हैं, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता। चांद अपने धुरी पर नहीं घूमता, सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसी कारण हमें इसका एक ही हिस्सा दिखता है। जब चांद पृथ्वी से चमकता दिखे तो उस जगह वहां सुबह होती है। चांद पर 14 दिन और 14 रातें मिलकर एक दिन बनता है। सुबह के समय यहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है, वहीं रात में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे होता है। विक्रम और प्रज्ञान के यंत्रों को ऐसा नहीं बनाया गया है जो इतनी ठंड में रह सकें। इसी कारण माना जा रहा है कि यह खराब हो चुके हैं और इस मिशन को इस मंथ के अक्टूबर में फिर से जगाने का कोशिश किया जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम दे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।